जुलाई के दिन टीएपी सीएमएस प्रेसिडेंट और यूथ कांग्रेस लीडर अभिषेक पाटिल ने वार्ड नंबर 10-11 का दौरा किया था, जिसमें उन्होंने कई घरों का मुआयना भी किया था, वार्ड के लोगों की परेशानियों को भी सुना था। तो उसी के सिलसिले में आज बीबी गली आलमीन स्कूल के पीछे जो बौली है उसमें पब्लिक यूज़ के लिए खुद के पैसों से बौली में 2 HP मोटर और एक टैंकर का इंतज़ाम किया और पानी के समस्या को दूर किया। तो इसी के ताल्लुक से उसका इनॉग्रेशन आज अमल में आया। इस मौके पर बीबी गली की जानिब से अभिषेक पाटिल का शुक्रिया अदा किया और भरपूर दुआओं से नवाजा गया। तो इस मौके पर यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट उमेश जमगी और वार्ड नंबर 10-11 के काउंसलर उमर बासित और शहनाज बेगम, यूथ कांग्रेस लीडर सैयद जफर, सैयद रफ़ी, रिहान और कई कार्यकर्ता मौजूद थे। गुजार हैं साहब को बोलते हैं, जो है साहब ने 24 घंटे में लाकर टाकी बिठा दिए और जो मोटर भी बिठा दिए, समरसेबल मोटर और पानी का टाकी का भी इंतज़ाम करे। हम साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं और अगले काम भी इंशाल्लाह इसी कुछ रहे तो हम साहब को बोलेंगे। और साहब जो है हम यहाँ के लोगों के ये भी है साहब के जो है स्लम बस्ती इसमें करो बोलकर वो रहे हैं। लोगों को जो है घर का भी मट्टी के घर बहुत हैं हमारे पास, यहाँ पे थोड़े लोग थे गवर्नमेंट सर्वेंट पहले थे, अब नहीं है वो लोग। तो जो हमारा VIP एरिया है और जो है ज़रा स्लम के लिए भी हमारे लोगों की एक आपसे गुजारिश है, ज़रा स्लम का भी जो है आप ज़रा कोशिश करिए। साहब के हम शुक्रगुजार हैं कि वहाँ को दुकानें बहुत तकलीफ़ होती थी, अब इंशाल्लाह वो नहीं होंगी। 24 घंटे में कार्रवाई करे सर, बहुत एहसान है सर का इसी तरह। और वो उन्होंने बोले सर का स्लम में भी थोड़ा बहुत करे तो अच्छा था इंशाल्लाह। देखिए ये वार्ड नंबर 11 है, ठीक है। मैं पिछले 4 दिन पहले आया था यहाँ पे, हमारे काउंसलर 10 और 11, चलो ठीक है 10 और 11 जो वार्ड नंबर है यहाँ पे विजिट करने के लिए हमारे काउंसलर जी मेरे को रिक्वेस्ट किए थे कि लोगों को बहुत परेशानी हो रही है बोल के। यहाँ पर आए जब मैंने देखा कि इतना बड़ा मोटर है जो सबके लिए यूज़ होता है, किसी एक के लिए नहीं, तो मैंने देखते पूछताछ क्या कब से बंद है, क्या है क्या नहीं बोल के, उन्होंने एक ही बात बताया सर ये कुछ नहीं तो भी 6 महीने से कुछ बंद है। उन्होंने पानी का कैसे कर रहे हो, रोज़ लड़ाई हो रहा है, ये हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैंने अपने खुद के खर्च से, किसी और के घर से नहीं, क्या सरकार के इससे नहीं, अपने खुद के खर्च से हमारे MLA साहब के डायरेक्शन लेके वो जो भी टंकी है, मोटर है 1.5 HP का, पानी का व्यवस्था, पाइपलाइन का सब कुछ करा के दिया है। इंशाल्लाह सभी को वो मदद होगा, ये मैं इबादत करता हूँ। और यहाँ गली में भी मैंने चक्कर लगा के देखा है, बहुत सारे लोगों का घर मैंने विजिट किया है, बहुत मुश्किल में है लोग ये बारिश गिरने की वजह से, और अपने खुद मजबूर है ताकि उनके सरकार से कोई मदद मिल सके। उनका लिस्ट मंगाया हूँ यहाँ के काउंसलर को बात करके, खुद भी विजिट करके देखा हूँ, देखते आने वाले दिनों में, क्योंकि ऊपर से ही हाउसिंग इसका बंद है एक्चुअली, किसी का भी ये नहीं ले रहे, सेंट्रल स्कीम है वो स्टेट स्कीम है, हाउसिंग का अभी तक आया नहीं है। जो कोई भी आएगा पहले, जो भी हमारे सिर्फ यही गली ने हमारे हुमनाथ सिटी में जो भी आते स्लम सभी को डेवलपमेंट करने का कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अभिषेक पाटिल, राजशेखर पाटिल सर का बहुत बहुत तहे दिल से पूरे मेरी तरफ से और पूरे मेरे महल्ले वालों की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ मैं अभिषेक पाटिल सर का भी जो है शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इमीडिएट, मैंने लाकर उनको बोली बताई थी कि सर यहाँ पर एक जो है ज़रूरत है मोटर की और सिंटेक्स की, तो इमीडिएट उन्होंने एक्शन लेते हुए कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर यहाँ पर जो है मोटर भी उठाई और सिंटेक्स भी उठाई, और इसके साथ साथ जो है गली के कुछ घर वगैरह भी उसके बारे में भी जो है घर को बना के देने का जो है उन्होंने वादा किया है। मैं अभिषेक पाटिल जो आज जो हमारे युवा नेता हैं जो बहुत ही दिलचस्पी से जो है मुनाबाद के अंदर जो है काम कर रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो है वो हमारे महिले के साथ साथ मुनाबाद में भी जो है पूरा तरक्याती कामों में हिस्सा ले रहे हैं। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और मैं आने वाले दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा उनसे उम्मीद रखता हूँ कि वो जो है हमारे मुनाबाद की तरक्की के लिए काम करेंगे। इतना कहते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय कर्नाटक।